हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण खारी। फ्रेंड्स, आज की है हमारी गेम विजय शिंदे जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 1966 में हुए ओलंपियाड के 12वें राउंड के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो खेली गई थी फ्लोरिन गियोर्गियू और बॉबी फिशर के बीच में। फ्रेंड्स, मैं आज आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा और सीधा यहाँ इस गेम को शुरू करता हूँ। गेम की शुरुआत यहाँ की फ्लोरिन D4 के साथ, तो Nf6 यहाँ बॉबी फिशर ने किया। C4 देन E6, Nc3 तो Bb4, निंगजो इंडियन डिफेंस देन F3, और ये F3 मूव आखिर किस लिए? बॉबी फिशर ऐसे मूव यूजुअली चलते नहीं है। नाइट की चलिए कोई बात नहीं, D5 ब्लैक ने किया, तो A3 पहले बिशप को यहाँ हटाना ही होगा। बिशप टेक C3 चेक, बी टेक C3, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने सबसे पहला काम कैसल करने का किया। C takes D5, E takes D5, देन E3, Nh5, और Nh5 के बाद ये क्वीन की चेक भी इंट्रोड्यूस होती है, तो सॉरी फ्लोरिन ने यहाँ पहले किया क्वीन C2, देन Re8 तो G4, G4 के बाद नाइट को हटाया नहीं होगा, और ये नाइट गया F4 स्क्वायर पर। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूव हो गया है, क्यों? क्योंकि सॉरी यहाँ ये पॉन पिन है, तो H4 पहले यहाँ वाइट ने किया, देन C5 किंग है F2 स्क्वायर पर, पॉन के पिन को खत्म किया है, तो नाइट गया वापस G6 स्क्वायर पर, देन Bd3। और Bd3 का मतलब कि वाइट क्या किसी तरह के कोई चांसेस दे सकता है इस नाइट को एलिमिनेट करने के? खैर फिलहाल ब्लैक बॉबी फिशर का अटैक इस H5 पॉन पर है, लेकिन वो बनता नहीं, पॉन एक्सचेंज इक्वल होगा, बल्कि उन्हें यहाँ कुछ ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा। नाइट C6 यहाँ पहले बॉबी फिशर ने किया, देन नाइट E2 स्क्वायर पर, Bd6। क्या यहाँ C4 की ऑप्शन नहीं कंसिडर की जा सकती थी? और फोर्सफुली हाँ, कम से कम लाइट स्क्वाड बिशप इस बोर्ड से ऑफ होता, बिशप टेक G6 करना ही पड़ता, देन Fg6। और मेरे ख्याल से फिशर के पास काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन बनती चली जाती है यहाँ इस पोजीशन से, लेकिन यहाँ पहले फिशर ने बिशप को E6 स्क्वायर पर लिया, देन G5, और फ्लोरिन का काफ़ी अटैकिंग मूव है, रुक गया C8 स्क्वायर पर, देन H5 नाइट पर अटैक है। और क्या यहाँ किसी भी तरह से इस H7 पॉन पर किसी तरह का प्रेशर बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फिशर ने अपने नाइट को F8 स्क्वायर पर लिया। ब्लैक की गेम और वाइट की गेम को अगर मैं कंपेयर करूं, तो मुझे ब्लैक की गेम की पोजीशन काफ़ी क्रैम्प लगती है। पीसेस लगभग बोर्ड के सेंटर में हैं, तीनों पीसेस नाइट बिल्कुल सही स्क्वायर्स पर आ चुके हैं, बिशप सही है, नाइट भी ठीक है, सही डिफेंड कर रहा है इस H7 पॉन को। पर प्रॉब्लम है कि यहाँ व्हाइट अपने पॉन्स को आगे पुश करने की थ्रेट दे रहा है, और उसके बाद ब्लैक का किंग एक्सपोज कंडीशन में होगा। G6 यहाँ पहले ऑब्वियस है, फ्लोरिन को करना ही है। Fg6 देन Hg6, H6 आगे पॉन एक्सचेंज करने की आखिर जरूरत ही क्या है? अदरवाइज फिशर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्वीन गई B1 स्क्वायर पर, और ये क्वीन B1 स्क्वायर पर आएगी ही आएगी, क्योंकि सी पॉन आगे पुश होने ही वाला है। देन नाइट A5 पहले यहाँ ब्लैक ने किया, तो नाइट गया F4 स्क्वायर पर, और क्या यहाँ हो सकता है? C4 बिशप पर अटैक है, तो बिशप गया C2 स्क्वायर पर एज एक्सपेक्टेड, देन रुक C1 स्क्वायर पर, रुक B2, देन नाइट सॉरी D7, देन A4, नाइट F6, बिशप गया A3 स्क्वायर पर, और यहाँ ये बिशप की डायगोनल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। क्वीन B7, देन रुक B2, D6, क्वीन B5, और फ्रेंड्स ब्लैक का ही नाइट काफ़ी देर से फिशर का नाइट गेम से लगभग बाहर है, माइट भी अपने पोजीशन को चेंज कर सकता है, बेटर हो सकता है। नाइट B7 एज एक्सपेक्टेड, तो मुझे लग ही रहा था E4, तो D takes C4, Bishop takes C4, और अब किस तरह से गेम आगे बढ़े? मेरे ख्याल से ब्लैक यहाँ रुक को C7 स्क्वायर पर ले आए, पर उससे भी ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। फिलहाल फिशर ने अपने रुक को C8 स्क्वायर पर प्लेस किया, उसको तो मूव करना ही था। तो अब रुक E5 यहाँ पहले वाइट ने किया, देन अब ये गेम किस तरह से आगे बढ़े? नाइट D8, प्रॉब्लम बॉबी फिशर की काफ़ी देर से नाइट के साथ है, कि नाइट किसी अच्छे स्क्वायर पर नहीं आ रहा है। यहाँ फिशर ने अपने बिशप को G4 स्क्वायर पर लिया, और फ्रेंड्स ये थोड़ा रिस्की मूव है। अगर ऑब्वियस है वाइट यहाँ इस बिशप को लेता है, तो फॉक आती है, काफ़ी स्मार्ट फॉक आती है, तो नाइट D5 यहाँ पहले तो वाइट ने किया। रुक टेक्स E5, नाइट टेक्स E6 चेक, Gf6 सॉरी नाइट टेक्स F6 चेक, Gf6 देन D takes E5, नाइट गया C5 स्क्वायर पर, बिशप पर प्रेशर है। और फिर वही बात मैं दोबारा कहूँगा कि
अगर यहाँ मेटल एक्सचेंज होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम रहने वाला है भाई। बिशप टेक C5, और ये ठीक है, बिशप्स लगभग बोर्ड ऑफ हो रहे हैं तो एक्सचेंज कर सकते हैं। और अब क्वीन टेक क्वीन D2 चेक, क्या यहाँ मेटल एक्सचेंज को कंप्लीट नहीं कर लेना चाहिए था? किंग है G3 स्क्वायर पर, और बेफ टेक E5, बिशप टेक F3, बिशप टेक F3 की आखिर जरूरत थी? अब वाइट यहाँ क्या करे? कम से कम मेरे ख्याल से किंग टेक F3 के ऑप्शन इतनी बेटर नहीं है। अगर ऐसा होता है तो F5 बिशप पर प्रेशर तो बनेगा। बिशप टेक F5, क्वीन D5 चेक होगा भी तो कोई नहीं, फोर स्क्वायर पर बीच में आ सकते। चलिए छोड़िए फ्रेंड्स, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, आइए वही देखते हैं जो एक गेम में हुआ था। यहाँ वाइट ने अपने बिशप से इस बिशप को लिया, बिशप टेक्स F3। और अगर मैं फिशर की पोजीशन की बात करूँ तो ठीक है, यहाँ ये बिशप ऑलरेडी वाइट लाइट स्क्वायर डार्क स्क्वायर बिशप वाइट का ठीक है पॉन के ऊपर रखा है यहाँ ये, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान में जा चुके हैं। और ऐसा कोई मुझे कुछ खास एडवांटेज ब्लैक की गेम में नज़र नहीं आया, जिस तरह से उन्होंने यहाँ मेटल एक्सचेंज किया। कैलकुलेशन भी थोड़ी शायद डिस्टर्ब रही है वहाँ पर, यहाँ पर बॉबी फिशर की। रुक टेक C5, फाइनली ये बिशप ले ही लिया है, क्वीन गई C1 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक C1, रुक टेक C1, और वाइट को अब चाहिए क्या? उन्हें यहाँ ये बिशप की लीड तो मिल ही चुकी है, दोनों खिलाड़ियों के 3-4, बॉबी फिशर के पास 5 पॉन्स हैं, और वहीं फ्लोहिन के पास यहाँ ये 4 पॉन्स। क्या किसी तरह से इस ई पॉन को नहीं लिया जा सकता? बिल्कुल लिया जा सकता है, हैव टेक C5 एक ऑप्शन थी, लेकिन पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं रही है फिलहाल। अगर किसी तरह से फिशर इस पॉन को ले लें, खासकर इस G6 पॉन को, तो गेम उनके हाथ में कुछ आ सकती है। यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने रुक टेक C5 किया था, एफ टेक C5 की ऑप्शन ठीक ठाक थी। किंग गया F4 स्क्वायर पर, कुछ खास नहीं है, तो रुक गया किंग गया G7 स्क्वायर पर, बिशप E4, और यहाँ अपने इस पॉन का डिफेंस भी कर लिया। H5, और एक पास सर, क्या फिशर इस पास सर को प्रमोटिंग स्क्वायर तक किसी भी तरह से पहुंचा सकते हैं? मुझे तो कोई वजह तरीका नजर नहीं आता। जब तक ये पास सर प्रमोटिंग स्क्वायर के नजदीक पहुंचेगा, तब तक वाइट का रुक रीशफल करके अपनी पोजीशन को बहुत बेटर कर चुका होगा। वही काम यहाँ फ्लोरिन ने करना शुरू किया, रुक गया D1 स्क्वायर पर, देन रुक E7, ताकि किसी तरह की कोई चेक ना आए। तो रुक D5 यहाँ पहले वाइट ने किया, और सीधा यहाँ इस H6 पॉन पर अटैक बनाया, तो इसका डिफेंस किंग से किया बॉबी फिशर ने, उसको H6 स्क्वायर पर ले जाकर। नाउ रुक D8, क्या ये ऑप्शन है अवेलेबल? अगर ऐसा होता भी है तो किंग G7 से मैनेज हो जाएगी, ठीक थी ऑप्शन भी। लेकिन यहाँ फ्लोरिन ने अपने रुक को D6 स्क्वायर पर प्लेस किया, और यहाँ पॉन पर प्रेशर बनाया, ये पॉन भी डिफेंड करना जरूरी है, तो फिशर ने अपने किंग को G7 स्क्वायर पर लिया, देन रुक C6। और कम से कम अब ग्रेंटेड है कि यहाँ इस C4 पॉन का डिफेंस नहीं हो सकता। ब्लैक ने यहाँ H4 किया, देन रुक टेक C4, और बस ये जो 5 पॉन्स थे बॉबी फिशर के पास, यही उनकी स्ट्रेंथ थी। और जो मेरे ख्याल से अब बहुत ये पॉन भी वीक है, ज़्यादा डिफेंड नहीं हो पाएगा किसी भी तरह से। H3 कोई फर्क नहीं पड़ता, किंग G3 स्क्वायर पर। आप यही तो कह सकते हैं कि वाइट अपने इस रुक को यहाँ इस एच पॉन मैच फाइल में नहीं ला पाएगा, पर किंग तो पहुंच ही गया है। किंग H6 स्क्वायर पर, देन बिशप B1, रुक E3 चेक, किंग H2 स्क्वायर पर, देन रुक गया E1 स्क्वायर पर, दोबारा बिशप पर अटैक बना, तो बिशप गया D3 स्क्वायर पर, रुक E3, दोबारा उसी बिशप पर अटैक है। और क्या कोई चांसेस बनते हैं इस गेम को ड्रॉ कराने के बॉबी फिशर के द्वारा? मुझे लगता नहीं कि ये गेम अब ड्रॉ होने वाली है। रुक H4 चेक, वजह यही है, किंग गया G5, सॉरी G5 स्क्वायर पर, क्या किंग G5 स्क्वायर पर ठीक रहता है? माइट भी, अगर इस गेम को थोड़ा भी लंबा खींचना है तो ब्लैक को यहाँ अपने किंग को G7 स्क्वायर पर ले जाना चाहिए था, लेकिन उससे भी कोई बहुत ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है। फ्लोरिन द फाइनल मूव था G7, और यहाँ इस मूव के बाद बॉबी फिशर ने रिजाइन कर दिया। रिजाइन तो करना ही पड़ेगा, अब यहाँ ब्लैक ज्यादा ज्यादा क्या करेगा? किंग टेक्स H4, रुक को ले लेगा, लेकिन क्वीन तो प्रमोट होगी ही होगी ना, G8 इक्वल्स क्वीन, रुक टेक्स D8 होगा भी, तो क्वीन C4 चेक से आप देख सकते हैं कि रुक भी गया, किंग G5 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन टेक्स D5, और बस इस गेम में ज़्यादा कुछ खास बचेगा नहीं यहाँ बॉबी फिशर के लिए। तो ठीक पॉइंट था, यहाँ इस पॉइंट से इस गेम को और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सिंपल गेम रही, अच्छा टेक्टिकल था। बॉबी फिशर इस तरह की गलतियाँ तो नहीं कहूँगा, ये ट्रैप नॉट एग्जैक्टली, यहाँ दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी लगाई,
बॉबी फिशर की अपनी थी और फ्लोरिन की अपनी थी, और स्ट्रेटेजी वाइज फ्लोरिन फाइनल में जाकर बिल्कुल बेटर उन्होंने यहाँ किया। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर।